आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैड थिंग एंड गुड थिंग अबाउट सैमसंग गैलेक्सी M55 5G जो कि इंडिया में रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। सैमसंग गैलेक्सी M55 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक मिड रेंज का प्रोसेसर है और इसका एंटीटू स्कोर आपको 6 लाख के आसपास देखने को मिलता है। एक और चीज़ आपको जानना होगा कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं वो जनरली सैमसंग फैब्रिकेटेड प्रोसेसर के साथ ही आते हैं, वहीं जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 सीरीज है वो भी सैमसंग की फैब्रिकेशन के साथ ही आ रही है। इस वजह से नथिंग ब्रांड ने उन प्रोसेसर का यूज ना करके डायमेंसिटी 7200 का यूज किया था जो कि TSMC प्रोसेसर फैब्रिकेशन के साथ आते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। TSMC की फैब्रिकेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, इस वजह से वहां पे आपको डायमेंसिटी का प्रोसेसर यूज होता हुआ दिखा था और नथिंग ब्रांड ने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि जो सैमसंग फैब्रिकेटेड प्रोसेसर होते हैं उनमें हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अनस्टेबिलिटी भी होती है, इस वजह से यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो 7 Gen 1 यूज गया है वो सैमसंग फैब्रिकेटेड ही है, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम इसी के साथ जुड़ जाती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेसर ऑलरेडी 2022 में लॉन्च हुआ था और सैमसंग इसको 2024 में लेकर आ रही है, तो ये 2 ईयर्स ऑलरेडी पुराना प्रोसेसर है और ये जब लास्ट अपडेट रिसीव करेगा तब ये प्रोसेसर 7 ईयर्स ओल्ड हो चुका होगा और आपको पता होगा कि चीज़ें काफ़ी तेजी से चेंज हो रही हैं। यहाँ पे अभी के करंट प्रोसेसर खुद काफ़ी सारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अगर 4K में तो वहाँ पे फ्रेम को स्किप कर दे रहे हैं, वहाँ पे UI लैग्स हो रही हैं, थोड़ी सी हीटिंग इशू भी देखने को मिल रही है कंपेयर टू पहले से ज़्यादा है, तो अभी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको करंट प्रोसेसर ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाकी जब AI फीचर्स वगैरह इंटीग्रेट हो जाएंगे UI के साथ तो वो कैसे हैंडल करने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके अलावा जितने भी अपडेट्स इसको मिलेंगे मेरे को लगता है कि वो नाम के ही अपडेट्स होंगे, उतने फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी विद 45W की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये एक हाईलाइटेड पॉइंट भी इसलिए है क्योंकि इससे पहले किसी भी अल्फाबेट सीरीज में आपको सैमसंग की 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था, इससे पहले वो S सीरीज में ही आपको देखने को मिला था, अभी वो अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले M55 में ही देखने को मिल रहा है जो कि एक इसको स्पेशल फोन बनाता है। इस स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि UFS 3.1 का यूज़ तो किया गया लेकिन जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है UFS 2.2 के, इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो इसकी स्पीड है वो कम कर दी गई है, यानी कि सेम स्पीड आपको मैच करके नहीं दिया जा रहा है जो कि पहले जो इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन UFS 3.1 के साथ आते थे वो स्पीड आपको इसमें नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि स्पीड को रिड्यूस किया गया है जो कि कॉस्ट कटिंग आप कह सकते हो। एक और चीज़ इसमें बैटर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये स्मार्टफोन फुली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है जो कि अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सैमसंग का सॉफ्टवेयर पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट वन UI 6.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि फुली फंक्शन के साथ आती है, यहाँ पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहले M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में कुछ फीचर्स मिसिंग होते थे जैसे कि ओरिजिनल लॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने भी One UI के सॉफ्टवेयर में सपोर्ट देखने को मिलते हैं A सीरीज़ में वो सभी सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं वो सभी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो AI फीचर्स हैं ना ही आपको A सीरीज में देखने को मिल रहे हैं ना ही M सीरीज में, तो वो पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। बाकी जितने फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि जो सैमसंग वॉलेट है, जो नॉक सिक्योरिटी है, सिक्योर फोल्डर है, ये सभी चीज़ें अभी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज है दैट इज AI फीचर्स। सैमसंग अपने कैमराज के लिए पहले जाने जाते थे, उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहता था या तो वो सॉफ्टवेयर और कैमराज के लिए ले लेता था क्योंकि पहले भी उनके जो हार्डवेयर पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं था प्रोसेसर रिलेटेड, लेकिन जो कैमरा है वो सॉफ्टवेयर है वो पहले भी स्ट्रॉन्ग होते थे, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई दिख रही हैं, थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले के कंपैरिजन में कैमराज उनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, इधर बाकी कंपनीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं या तो सैमसंग के कैमराज में इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसके जो कैमराज के मैंने जितने रिजल्ट्स देखे हैं, मेरे पास तो फ़ोन है नहीं लेकिन मैंने बाकी जगह से जो रिजल्ट्स देखे हैं उनमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियोज़ में जो स्क्रीन टोन मैनेज कर रहा है ये स्मार्टफोन वही चीज़ वो फोटोज़ में मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है कैमरा रिलेटेड सैमसंग स्मार्टफोन्स के साथ जो कि रिसेंट में जो लॉन्च हुए हैं। इसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर दिया गया है, दोनों ही 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच फुल HD प्लस 120Hz AMOLED पैनल देखने को मिलता है और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 1000 nits है, तो ये एक नॉर्मल डिस्प्ले है, लेकिन जो जनरली देखा
देखा गया कि जो सैमसंग की डिस्प्ले होती है वो अच्छे कलर्स लेकर आती है, उसको अच्छे से कैलिब्रेट किया होता है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे को एक ही प्रॉब्लम देखने को मिला, वो है इसके बेजल्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं। आजकल के स्मार्टफोन्स थोड़े मॉडर्न डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन सैमसंग के स्मार्टफोन्स के जो बेजल्स है वो पहले से बड़े होते जा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ तो नहीं है। अदर फीचर्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि डॉल्बी एटमॉस के द्वारा ट्यून किए गए हैं। नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए कुछ कॉस्टिंग पे करना होता है और सैमसंग यहाँ पे नहीं करना चाहता होगा, इसलिए यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वाइड वेल L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप फुल HD में तो कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हो। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है सिक्योरिटी के लिए, और नॉक सिक्योरिटी जैसी चीज़ें तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाती हैं। तो यही कुछ था सैमसंग गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन के बारे में, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वीक पॉइंट भी हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी साथ ही साथ देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।